Also, in that storage of the required vitamins are there. That already know there are vitamin minerals that these are considered the micronutrients. Carbohydrate, protein, and fat, these are considered the macronutrients. Means large amount is required and small amount is required near about mg and that type of. That is considered the vitamins and minerals. Also, along with that, it is responsible for storage of the ferritin, that iron reserves. Also, anticoagulants are reserved at this, and detoxification of the drugs and whatever the substances we are eating. That detoxification is takes place by the liver. That's why vitamin storage, maintenance of the iron reserve, and detoxification is also carried out by the liver. Write these three: storage of vitamins, maintaining iron reserves, detoxification. Sir, sitting line. Among that, first we will see in detail that carbohydrate metabolism means whatever these important functions are that among that you know that carbohydrates are lastly converted into kaun se form mein convert ho jate carbohydrates glucose. That's why two types of process in metabolism takes place. One is gluconeogenesis, second one is gluconeogenesis, and third one is gluconeogenolysis. तीन प्रोसीजर है, ठीक से समझ के और लिख के ले लो, ग्लूकोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लूकोलाइसिस और ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लूकोजेनेसिस जो प्रोसीजर है उसमें क्या होता है, ग्लूकोज से मतलब ग्लूकोज जो है उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, that glucogenesis. नहीं तो हम कंसिडर करते कि ग्लूकागन के प्रेजेंस में ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज. ग्लूकोनियोजेनेसिस बोले तो जो हमारे सोर्सेस है, यूज्ड सोर्सेस बोले तो जो कार्बोहाइड्रेट छोड़ के फैट और प्रोटीन में रहने वाला ग्लूकोज भी कन्वर्ट होता है उसको हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस. और थर्ड जो है, थर्ड बोले तो ग्लूकोजेनोलाइसिस. ग्लाइकोजन से फिर से अगर आपको चाहिए तो ग्लूकोज में कन्वर्शन कर देना, तो ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लाइकोजन में करना इसको हम बोलते हैं ग्लूकोजेनेसिस. प्रोटीन और फैट में रहने वाले ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लाइकोजन में करना उसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस. और ग्लाइकोजन से अगर आपको चाहिए तो ग्लूकोज, समझो आपने दो दिन के लिए खाना नहीं लिया, आपके इसमें ग्लूकोज मेंटेन रहना चाहिए, तो उसके लिए जो कुछ स्टोर्ड ग्लाइकोजन है उसको यूटिलाइज करना उसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस. ऐसे तीन फेज में हम कंसिडर करते हैं. इसमें स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, जो ग्लूकोज से कन्वर्ट हुआ हुआ जो ग्लाइकोजन है, ग्लूकोज से लास्ट कन्वर्ट हुआ हुआ जो ग्लाइकोजन है उसको स्टोर करके रखना काम किसका है, लीवर का है. तो वो किधर किधर स्टोर रखता है, मसल एरिया में स्टोर रखता है, उसके साथ साथ जो हमारे बॉडी टिश्यूज है उधर स्टोर रखता है, एटीपी के लिए यूटिलाइज किया जाता है, उसके साथ साथ लीवर में भी क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है. उसके साथ गैलेक्टोज एंड फ्रुक्टोज टू ग्लूकोज बोले तो जो कन्वर्जेबल टाइप ऑफ शुगर जो है उसमें गैलेक्टोज है, फ्रुक्टोज है, सुक्रोज है, माल्टोज है, सभी किसमें कन्वर्ट होने चाहिए कि लास्ट कन्वर्ट होने चाहिए कि इट शुड बी कन्वर्ट इनटू द ग्लूकोज. दैट्स व्हाई सभी का कन्वर्जन ग्लूकोज में करने के लिए इंपॉर्टेंट फंक्शन रहते हैं लीवर के, दैट कन्वर्जन ऑफ गैलेक्टोज एंड फ्रुक्टोज टू ग्लूकोज. उसके साथ साथ ग्लूकोनियोजेनेसिस, नियोजेनेसिस बोले तो यूटिलाइजेशन ऑफ द एडिशनल सोर्सेस ऑफ द ग्लूकोज, दैट इज प्रोटीन एंड फैट. प्रोटीन और फैट में जो कुछ ग्लूकोज रहेगा उसको क्या करना, उसको फिर से उससे ग्लूकोज बनाना उसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस. तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में लीवर के तरफ से हो जाते हैं. ये तीन मेंशन करके उसमें आपके इसमें लिख के रखो. वेटिंग लाइन सर के स्टूडेंट्स, इधर देखो ग्लाइकोजन का स्टोरेज कैसे किया जाता है.
हमारा जो हेपेटिक पोर्टल वेनस सिस्टम है हम कंसिडर करते हैं। ये देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाइज हमने कंसिडर किए थे, स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाइज से सब कुछ एब्सॉर्ब हो जाता है, एब्सॉर्ब होने के बाद ग्लूकोज एब्सॉर्ब इनटू ब्लड वेसल्स इन विलाय, विलाय से एब्सॉर्ब हो गया, एब्सॉर्ब हुआ सब जाता है किधर, पोर्टल वेनस सिस्टम में जाता है, पोर्टल वेन। तो हेपेटिक पोर्टल वेसल कैरीज ग्लूकोज इन ब्लड टू लीवर, इधर लीवर में ब्लड लाया गया, सॉरी जो ग्लूकोज लाया गया, इधर क्या होता है ग्लूकोज कन्वर्टेड टू द ग्लाइकोजन एंड स्टोर्ड इन लीवर, ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में इधर क्या हो जाता है कन्वर्ट हो जाता है और लीवर में स्टोर किया जाता है, और बाद में उससे उधर सेल को भी हम जिधर चाहिए वो सेल को ग्लाइकोजन के और जो ग्लूकोज चाहिए उसको क्या करते हैं हम स्टोर करते हैं। इधर चाहिए तो एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ग्लाइकोजन का स्टोरेज कैसे करते हैं वो इधर स्टेप वाइज लिखा है। उसके बाद ग्लूकोज का बफर कैसे हो जाता है वो नॉर्मली कैसे मेंटेन किया जाता है ब्लड ग्लूकोज लेवल वो इधर हम ये कंसिडर करेंगे। ब्लड ग्लूकोज समझो एलिवेटेड हो गया, अब समझो क्या कि आपने शुगर ज्यादा लिया, शुगर ज्यादा क्वांटिटी में खा लिया, तो क्या होता है उधर लीवर काम करना शुरू करता है, लीवर क्या करता है ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लाइकोजन में करके स्टोर रखता है, और वो क्या करता है ब्लड ग्लूकोज को ब्लड शुगर को नॉर्मलाइज करता है। ये कब तक है जब तक वो लिमिट में है तब तक, अगर आप एक्सेसिव अमाउंट में लेने लगे आपका एक्सरसाइज कुछ भी नहीं वो इसमें ये फंक्शन काम करना मोस्टली कम हो जाता है और बंद हो जाता है। उसके साथ साथ समझो ब्लड ग्लूकोज कम हो गया, लीवर क्या करता है ग्लूकोजेनोलाइसिस करता है, बोले तो ग्लूकोजन का कन्वर्जन ग्लूकोज में कर देता है और फिर से ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल किया जाता है। इधर हम बोलते हैं इलेवेटेड ब्लड ग्लूकोज लीवर ग्लाइकोजन फॉर्मेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ग्लूकोज बफर फंक्शन बोलते हैं इसको हम। उसके बाद ग्लाइकोजन स्टोर किया जाता है, गैलेक्टोज एंड फ्रुक्टोज का कन्वर्जन ग्लूकोज में किया जाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस किया जाता है, ये मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। तो इसमें हमारा ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ग्लूकोज हमें क्या चाहिए एक ग्लूकोनियोजेनेसिस के फॉर्म में, तो बहुत सारे प्रोटीन्स और फैट में जो ग्लूकोज रहता है कन्वर्जेबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। तो बोले तो इधर याद रखना ग्लाइकोजन के फॉर्म में सभी को स्टोर रखा जाता है और ग्लूकोज के फॉर्म में जो कुछ ग्लूकोज के फॉर्म में उसको यूटिलाइज किया जाता है, एटीपी सिंथेसिस करना है ग्लूकोज के फॉर्म में और जो एक्स्ट्रा है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। तो इधर देखो ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है, ब्रेन जो ग्लूकोज ब्रेन को ग्लूकोज जो चाहिए वो है प्राइमरी फ्यूल, उसका ग्लूकोज चाहिए, अगर उसको ग्लूकोज नहीं मिला मतलब समझो सिर्फ प्रोटीन और बाकी सब मिले और ग्लूकोज नहीं मिला तो उसमें आरबीसीज जो है आरबीसीज क्या करते हैं ब्लड ग्लूकोज यूटिलाइज करते हैं और उसके साथ साथ ब्रेन भी यूटिलाइज करता है। तो उसके लिए डेली रिक्वायरमेंट हमारा ग्लूकोज का है 160 ग्राम, कितना है 160 ग्राम, और ग्लाइकोजन स्टोर करता है 190 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, बोलो तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में 190 ग्राम ग्लूकोज यूटिलाइज स्टोर होता है। तो हमें एक्सेसिव रिक्वायरमेंट है इसके लिए ग्लूकोनियोजेनेसिस होना रिक्वायर्ड है। तो इधर ग्लूकोनियोजेनेसिस कैसे होता है वो बोले तो क्या है स्टार्वेशन में गया
प्रोलॉन्ग्ड स्टार्वेशन है, आपने कुछ खाया पिया नहीं, तो क्या होता है ग्लाइकोजन का स्टोर भी उधर कम हो जाता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल भी कम हो जाते हैं, नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस जो है उसमें लैक्टेट है, अमीनो एसिड से, ग्लिसरॉल से, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाते हैं, तो उसमें ग्लूकोनियोजेनेसिस इन द लीवर एंड किडनी हेल्प्स टू मेंटेन द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड एंड ब्रेन एंड मसल कैन एग्जैक्ट ब्लड ग्लूकोज एक दो चार दिन एक पेशेंट स्टार्वेशन उनके पास ग्लूकोज का प्रोडक्शन करते हैं। चाहे तो ये शॉर्ट में इसका एक स्क्रीनशॉट लेके आपके बुक में लिख के रखिए। उसके बाद सेकंड एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, उसको बोलते हैं हम लिपिड। लिपिड बोले तो फैट, वो भी हमारे बॉडी में बहुत रिक्वायर्ड है। तो लिपिड जो है उसका लास्ट कन्वर्जन हमने देखा कि लास्ट कन्वर्जन हो जाता है फैट का, स्टार्टिंग जो है हम बोलते हैं वो पैनक्रियाटिक लाइपेज जो है, पैनक्रियाटिक लाइपेज से उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है और उसके साथ बाइल एसिड में केंडो ऑक्सिक्यूलिक एसिड और इरसोड ऑक्सिक्यूलिक एसिड, ये दो एसिड्स बाइल एसिड्स जो है, बाइल एसिड फैट के डाइजेशन में बहुत अच्छी तरह से हेल्प करते हैं। तो इसमें देखो लिपिड मेटाबोलिज्म कैसे होता है, लीवर का उसमें क्या रोल है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म दो हो जाते हैं, एक है सिंथेसिस ऑफ डीनोवो क्लोरेस्ट्रॉल एंड फैटी एसिड्स सिंथेसिस करना उससे, और सिंथेसिस ऑफ फैट फ्रॉम प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, बोले तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में रहने वाला फैट भी कन्वर्ट करके उसको बाजू रखना, और उसके साथ साथ डीनोवो क्लोरेस्ट्रॉल एंड फैटी एसिड से उसका कन्वर्जन कर देना, ये लीवर का काम है। और उसके साथ साथ कैटाबोलिज्म की एक्टिविटी भी लीवर करता है, उसमें क्या करता है ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स टू सप्लाई एनर्जी फॉर बॉडी फंक्शंस, बोले तो अगर हमें एक्सेसिव क्वांटिटी में एनर्जी चाहिए तो फैटी एसिड्स, बोले तो हम बोलते हैं कि एक्सरसाइज किए तो आपका क्या होता है फैट कम होता है, वो क्यों होता है, तो लीवर क्या करता है लीवर ऑक्सीडेशन के प्रोसीजर इंक्रीज कर देता है, कैटाबोलिज्म इंक्रीज कर देता है और वो फंक्शन में आपका जो एक्सेसिव फैट है उसको क्या कर देता है बर्न किया जाता है, बोले तो उधर बोला जाता है जॉगिंग करने के बाद, रनिंग करने के बाद, वॉकिंग करने के बाद, वो क्या करता है एक्सरसाइज करने के बाद फैट आपके बॉडी का क्या हो जाता है डिजॉल्व हो जाता है, ग्लूकोज कम हो जाता है, वो क्यों लीवर क्या करता है एक्टिवेट होकर कैटाबोलिक एक्टिविटी करके उससे ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में उसको फैट को बर्न कर देता है। उसके साथ साथ डीनोवो सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल उसमें लीवर में और पेरिफेरल टिश्यू में हो जाता है, उसमें फैटी एसिड सिंथेसिस हो जाता है और कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस हो जाता है। एक क्रेब्स साइकिल आपने सुना होगा, फैट कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स के इसमें लिपोजेनेसिस बोलते हैं हम, उसमें कार्बन स्केलेटन जो प्रोटीन का है उसको मेटाबोलाइज किया जाता है और एसिटाइल सीओए जो है मेटाबोलिज्म करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का, और एसिटाइल सीओए दोनों मतलब मेटाबोलिज्म प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का करके उससे फैट के फॉर्म में जितना फैटी एसिड आपको चाहिए उससे भी कन्वर्ट करके यूटिलाइज करते हैं, उसमें को हम बोलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन, ट्राइग्लिसराइड्स का लाइपोलाइसिस करके फैटी एसिड्स हम कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद अगर आपको ऑक्सीडेशन के लिए चाहिए तो उधर जो लीवर के FFA हम कंसीडर करते हैं, वो क्या करते हैं एक्चुअली एक्सेसिव जो एडिपोज टिश्यू में फैट है उसको कैरी करके एडिपोज टिश्यू का फैट बर्न करके उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद लास्ट में जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट थर्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट है बनाना न्यूट्रिएंट, समझ में आ रहा है सभी को? यस सर, यस सर। हाँ, वो है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, बोले तो थर्ड जो हम बोलते हैं प्रोटीन का काम क्या है बॉडी बिल्डिंग करना, फैट का काम है प्रोटेक्शन करना, कार्बोहाइड्रेट का काम है एनर्जी प्रोवाइड करना, तो ये जो प्रोटीन है बॉडी बिल्डिंग के लिए काम करता है वो क्या करता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है उसमें लीवर में करने किए जाने वाले वो डीअमाइनेशन, बोले तो हम बोलते हैं कि जो NaH उसमें से जो सेपरेट किया जाता है अमोनिया जैसे या नहीं तो यूरिया, यूरिक एसिड का फॉर्मेशन जो है लीवर में हो जाता है, तो उसमें क्या है फॉर्मेशन ऑफ यूरिया फॉर रिमूवल ऑफ अमोनिया, अमोनिया का रिमूवल करने के लिए उसमें यूरिया का फॉर्मेशन हो जाता है,
उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स, हम बोलते हैं अल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन, ऐसे जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है उसका फॉर्मेशन भी लीवर में हो जाता है, ये भी स्क्रीनशॉट लेके लिखिए, आप बाद में लिखिए। उसके बाद इंटर कन्वर्जन ऑफ वेरियस अमाइनो एसिड्स एंड सिंथेसिस ऑफ अदर कंपाउंड्स फ्रॉम अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड्स का कन्वर्जन और डी अमाइनेशन ऑफ द अमाइनो एसिड्स करना, बोले तो अमाइनो एसिड्स एनर्जी के लिए नहीं तो कन्वर्टेबल फॉर्म में यूटिलाइज करने के लिए डी अमाइनेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ डी अमाइनेशन ऑकर्स इन अदर टिश्यूज स्पेशली इन किडनीज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट ऑफ डीअमाइनेशन इज लीवर। अब क्या करो, एक शॉर्ट नोट लिखना है डीअमाइनेशन के ऊपर, एक पैराग्राफ लिखने का उसके ऊपर डीअमाइनेशन, देख के लिखिए डीअमाइनेशन, बोले तो अमोनिया फॉर्मेशन कैसे होता है उसमें, उसके बाद बैक्टीरिया स्मॉल अमाउंट्स में क्या करते हैं अमोनिया फॉर्मेशन करते हैं, अमोनिया यूरिया साइकिल में एंट्री हो जाता है उससे यूरिया फॉर्म हो जाता है, उसके बाद अगर यूरिया फॉर्म हो गया तो हेपेटिक कोमा में जा सकता है, डेथ भी हो सकता है पेशेंट्स का अगर अमोनिया इंटॉक्सिकेशन हो गया तो। प्लाज्मा प्रोटीन जो है उसमें प्लाज्मा प्रोटीन गामा ग्लोबुलिन छोड़ के बाकी सब प्लाज्मा प्रोटीन इसमें फॉर्म हो जाते हैं, उसमें सीरम अल्ब्यूमिन फॉर्म हो जाता है। उसके बाद जो क्रोनिक लीवर डिसीज है उसमें सीरम अल्ब्यूमिन लेवल कम रहती है। उसके बाद रिवर्सल जो हम बोलते हैं कि लीवर सिरोसिस की कंडीशन, हाइपो अल्ब्यूमिनिया, हाइपर गामा ग्लोबुलिनिया, ऐसे कंडीशन में कुछ प्लाज्मा प्रोटीन का फॉर्मेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद जो अमाइनो एसिड है उसमें नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड का सिंथेसिस करना, कीटो एसिड्स उसमें फॉर्म होते हैं, उसमें अमाइनो एसिड एसेंशियल नॉन एसेंशियल एक करके रखो, अलानाइन एस्पर्जीन सिस्टीन ग्लूटामेट ग्लूटामाइन ग्लाइसिन हाइड्रोक्सीक्लोरीन प्रोलीन, नॉन एसेंशियल और एसेंशियल में क्या डिफरेंस है? एसेंशियल सिंथेसाइज इन ओन बॉडी, एसेंशियल इज सिंथेसाइज, नॉन एसेंशियल टेकन थ्रू डाइट। थोड़ा देखिए, थोड़ा सर्च कीजिए, सर्च करके कल मुझे आंसर बोलिए, व्हाट इज मीन बाय एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, व्हाट इज मीन बाय नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, आज स्टडी करने का इसका। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स किसको बोलने का, एसेंशियल क्यों वर्ड यूटिलाइज किया, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं बाहर से लेना चाहिए, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स किधर प्रोड्यूस होते हैं, हिस्टिडीन किधर प्रोड्यूस होता है, आइसोलेसिन किधर होता है, ल्यूसिन किधर होता है, लाइसिन किधर होता है, मिथियोनाइन किधर होता है, फिनाइलएलाइन किधर होता है, थियोनाइन किधर होता है, ट्रिप्टोफैन किधर होता है, वैलाइन किधर होता है, ये थोड़ा सा देखिए आप। उसके बाद विटामिन का स्टोरेज करना थर्ड इंपॉर्टेंट काम है हमारे इसका, उसमें तीन विटामिन स्टोर किए जाते हैं, एक विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी ट्वेल्व, तीन का स्टोरेज बहुत अच्छी तरह से। उसमें विटामिन ए है वो ज्यादा क्वांटिटी में ब्लड प्लाज्मा लेवल विटामिन ए का मेंटेन करने के लिए, नियर अबाउट 10 मंथ्स तक हमें अगर विटामिन नहीं लिया तो भी प्रोवाइड किया जाए इतना विटामिन हम क्या कर सकते हैं लीवर में स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद विटामिन डी एंड बी ट्वेल्व लीवर दोनों को भी स्टोर करता है। विटामिन डी की डिफिशियंसी 3-4 मंथ्स तक और विटामिन बी ट्वेल्व की डिफिशियंसी 1 ईयर तक इनफ हो जाए इतना विटामिन बी ट्वेल्व अगर आपने अच्छी तरह से लिया तो स्टोर हो सकता है। आप नहीं लिए और विटामिन का स्टोरेज ऐसा ही लीवर नहीं करेगा, तो उसके लिए आपको स्टोरेज में भी इम्पोर्टेंट याद रखना चाहिए कि आयरन है विटामिन वो जाना चाहिए हमारे बॉडी में। उसके बाद आयरन का स्टोरेज किया जाता है फेरिटिन के फॉर्म में स्टोर करता है, वो लिख के रखिए, लीवर स्टोर्स द आयरन इन द फॉर्म ऑफ फेरिटिन। जो ट्रांसफेरिटिन आयरन ब्लड में रहता है लीवर में जाने के बाद उसको फ्री आयन रेडिकल जो है उसके साथ ज्वाइन होके उसमें एपोफेरिटिन के फॉर्म में कन्वर्ट होके बाद में फेरिटिन के फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया जाता है। दैट्स व्हाई ट्रांसफेरिटिन इज कन्वर्टेड इनटू द फेरिटिन एट लीवर।
ब्लड आयरन लेवल हाई होने के बाद। ब्लड आयरन लेवल कम हो जाए तो ट्रांसफेरेटिन आयरन में जो है फिर से ट्रांसफेरेटिन के फॉर्म में आपको फेरेटिन का कन्वर्जन ट्रांसफेरेटिन में करके फिर से ब्लड में भेजा जाता है। उसके बाद क्लॉटिंग फैक्टर जो है उसका प्रोडक्शन भी लीवर में हो जाता है, उसमें बहुत सारे क्लॉटिंग, कितने क्लॉटिंग फैक्टर्स रहते हैं? 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स का फॉर्मेशन क्या होता है लीवर में होता है। उसमें से एक्सट्रिंसिक सिस्टम में फैक्टर 7, फैक्टर 9, फैक्टर 10, फाइब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन, ये तीन का फॉर्मेशन इधर मोस्टली हो जाता है। लीवर डिटॉक्सिफिकेशन किसका किसका करता है देखिए, लीवर डिटॉक्सिफिकेशन करता है ब्लड का फिजिकल मेथड बायोकेमिकल रिएक्शन से करता है। जीआई ट्रैक से जो कुछ मेटाबोलाइज आपके लीवर में गए उसका डिटॉक्सिफिकेशन कर देता है। उसके बाद कपर सेल से करता है, फिजिकल मेथड से करता है, बायोकेमिकल रिएक्शन से करता है, लीवर डिटॉक्सिफिकेशन कर देता है। उसमें ऑक्सीडेशन, हाइड्रोक्साइलेशन और इस्टरिफिकेशन, ऐसे दो पेज में कॉमनली किया जाता है। उसके डिसीज जो हम कंसीडर करें तो लीवर के उसमें एक डिसीज है हेपेटिक एनसेफेलोपैथी। इसमें क्या होता है, सर्कुलेटिंग अमोनिया अगर इंक्रीज हो गया लीवर में, लीवर फेलियर के कंडीशन में, तो ब्लड ब्रेन जो बैरियर है, BBB बोलते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर, बोले तो ब्लड से ब्रेन में क्या जाए इसके ऊपर एक कंट्रोल है, लेकिन अमोनिया फ्री रेडिकल्स डायरेक्टली कैन रीच टू द ब्रेन, दैट्स व्हाई इट कैन लीड टू द लॉस ऑफ फंक्शनल हेपेटोसाइट्स, शंटिंग ऑफ द पोर्टल ब्लड, उससे हो सकता है वो। इसमें कंफ्यूजन रहता है पेशेंट और कोमा के कंडीशन में कभी कभी पेशेंट जा सकता है। ये इसका क्लिनिकल यूटिलिटी है। लीवर मेटाबॉलिज्म नहीं तो लीवर का फंक्शन, डाइजेस्टिव फंक्शन अगर नहीं हो गया तो उसमें लीवर क्या हो सकता है लीवर के बारे में, तो उसको आप सोचो तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि इट मे हैपन लाइक दिस। इसमें कुछ क्वेरी है क्या? लीवर किधर रहता है प्रेजेंट? राइट साइड ऑफ द बॉडी, ब्रेन, बॉडी, स्कल, चेस्ट, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, हाँ राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में मोस्टली रहता है। लीवर का नियर अबाउट 2% जो वेट है बॉडी, हमारी बॉडी का वेट है उसमें से 2% वेट लीवर का रहता है, और सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन करके हम इसको कंसीडर करते हैं। लार्जेस्ट ग्लैंड भी है वो। एक्सटर्नल फीचर्स में उसको लिगामेंट जो है उसको 4 लिगामेंट्स रहते हैं, पैल्सिफॉर्म लिगामेंट, कोरोनरी ए लिगामेंट्स है उसके, ये लोब्स है उसके लीवर के। पोर्टाइपेडिस बोले तो जिधर से हेपेटिक वेन, बाइल डक्ट और हमारा पोर्टल वेन जिधर से एंट्री हो जाता है वो जो रीजन है उसको बोलते हैं पोर्टाइपेटिस। ये रीजन है पोर्टाइपेटिस, इधर देखिए हेपेटिक डक्ट, हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक नर्व्स, पोर्टल वेन, ये मोस्टली इधर से एंट्री हो जाता है, इसके लिए इसको बोलते हैं हेपेटिक पोर्टाइपेटिस। 4 लोब्स है, राइट लोब, लेफ्ट लोब, क्वाड्रेट लोब एंड कॉर्डेट लोब, ऐसे 4 लोब्स आपको एनाटॉमी में हो जाएगा सर, लोब्स और उसको हेपेटिक आर्टेरियल पोर्टल वेन का ब्लड सप्लाई है। ये देखिए ब्लड सप्लाई लीवर का, पोर्टल वेन जो है वो लेफ्ट गैस्ट्रिक, राइट गैस्ट्रिक, स्प्लेनिक वेन, इंपेरियल मेसेंट्रिक एंड सुपेरियल मेसेंट्रिक वेन का यूनियन होके पोर्टल वेन बनती है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए, पोर्टल वेन, पोर्टल वेनस सिस्टम करके क्वेश्चन आ सकता है हमारे शरीर क्रिया में, उसके लिए आपको ये पता रहना चाहिए कि पोर्टल वेन क्या है। तो पोर्टल वेन का मेन काम है इंटेस्टिनल विलाय में जो कुछ अब्सॉर्ब किया है उसको लीवर तक लेके जाना, और उधर क्या करना, स्टोर करके मोस्टली उधर से मेटाबॉलिज्म कंप्लीट करके उधर से मतलब जो आगे असिमिलेशन होके ब्लड में जाके कार्डियक एंट्री होके डायरेक्ट वो सप्लाई किया जाता है सेल्स को। हेपेटिक आर्टरी उसको सप्लाई करती है, हेपेटिक वेंस का ड्रेन है उधर, और लीवर के जो सेल्स है उसको बोलते हैं हेपेटोसाइट्स। उसको हम मैक्रोफेजेस भी प्रेजेंट रहते हैं उधर,
स्टीलेट सेल्स भी प्रेजेंट रहते हैं, बिलियरी ट्रैक की सेल्स प्रेजेंट है, कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है उधर। लीवर के फंक्शंस देखो, फॉर्मेशन सिक्रीशन ऑफ बाइल, बाइल का प्रोडक्शन करना, न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन का मेटाबॉलिज्म करना, उसमें ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स, फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल, लिपोप्रोटीन्स, फैट सोल्युबल विटामिन्स, वाटर सोल्युबल विटामिन्स, ये सभी का क्या करना, न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन का मेटाबॉलिज्म कर देना, टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई कर देना, स्टीरॉयड हार्मोन्स को यूटिलाइज करना, अदर हार्मोन यूटिलाइज करना, प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस करना, क्लॉटिंग फैक्टर सिंथेसिस करना, कपर सेल से इम्यूनिटी मेंटेन करना, ये लीवर के मेन फंक्शंस है। बाइल जो है, नियर अबाउट 500 ml बाइल डेली सिक्रेट होता है, एंटरोहेपेटिक सर्कुलेशन से बाइल जाके किधर जाता है, हेपेटिक डक्ट, उसके बाद जो बाइल डक्ट है, बोले तो हम जो हेपेटिक डक्ट से राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट ज्वाइन होके पैनक्रियाटिक डक्ट को ज्वाइन होके वो कॉमन बाइल डक्ट बनता है। उसमें ह्यूमन बाइल जो है, उसमें बाइल साल्ट्स, बाइल पिगमेंट्स, क्लोरेस्ट्रॉल, इनऑर्गेनिक साल्ट्स, फैटी एसिड, फैट, अल्कलाइन फॉस्फेट, इतना सब प्रेजेंट रहता है। और जो येलो कलर रहता है बाइल का, वो रहता है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन से। और उसमें केंडोएक्सिक्लिक एसिड जो बाइल एसिड है, उसमें लीवर में पहुंच जाता है, और कोलोन में बैक्टीरिया कन्वर्ट्स कोलिक एसिड टू डीऑक्सिक्लिक एसिड एंड केंडोएक्सिक्लिक एसिड टू लिथोकोलिक एसिड। इसके लिए स्टूल को जो कलर है, वो स्टूल को कलर भी है जो बाइल्स जाने के बाद उधर स्टर्कोबिलिनोजेन एंड यूरिकोबिलिनोजेन जो बिलीरुबिन है, बिलीरुबिन का फॉर्मेशन बिलीवर्डिन से बिलीरुबिन फॉर्म होता है। बिलीरुबिन फॉर्म होता है वो आरबीसी साइकिल से, आरबीसी जब डिस्ट्रक्ट होता है ना लीवर में, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट काम है लीवर का। उधर ये होने के बाद उस से आयरन रिलीज होता है, आयरन फेरिटिन के फॉर्म में उधर स्टोर होता है, और आरबीसी से जो कुछ रिलीज हुआ बिलीरुबिन है ना, बिलीरुबिन उधर फॉर्म होके, मतलब बिलीरुबिन का वो कॉन्जुगेटेड फॉर्म में नहीं रहता, अनकॉन्जुगेटेड रहता है, बोले तो वाटर में वो डिजोल्व नहीं होता, तो वाटर डिजोल्व होने के लिए उसको अनकॉन्जुगेटेड का कन्वर्जन कॉन्जुगेशन लीवर कर देता है। बिलीरी सिक्रेशन जो है वो मोस्टली कर देता है, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे लीवर के। नेक्स्ट लेक्चर में हम पैनक्रिया के फंक्शन देखेंगे, पैनक्रियाज हमारे बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पैनक्रिया का वो कैसे काम करता है वो हम देखेंगे। हेलो, हेलो, आज इतने कम लोग क्यों हैं लेक्चर में? लेक्चर समझ